अमृतसर के चौड़ा फाटक में हर साल की तरह इस साल भी रावण दहन का कार्यक्रम हो रहा था। भारी भीड़ इकट्ठा हुई थी, लोग रावण दहन का वीडियो बनाने में व्यस्त थे। जब रावण दहन हो रहा था तो लोग पटरियों की तरफ आ गए। इसी बीच एक ट्रेन उनकी मौत बनकर सामने आई। ट्रेन के वहां से गुजरते ही लाशों का ढेर लग गया। घायल पटरियों के आसपास पड़े थे। कुछ पल लोगों को समझ में ही नहीं आया कि हुआ क्या। जो लोग थोड़ी देर पहले जश्न मना रहे थे, अब वो लाश के रूप में तब्दील हो चुके थे। इसी भीड़ में लोग अपनों को ढूंढ रहे थे। कार्यक्रम में अतिथि के तौर पर नवजोत कौर सिद्धू को बुलाया गया था। लोग उन्हें ढूंढ रहे थे, पर पता चला कि वो अस्पताल में घायलों का इलाज कर रही हैं। अभी रावण को जला के घर वापस ही गई थी मैं कि तभी पता चला कि पीछे से हरदम मची और ट्रेन फुल स्पीड पे आई और कोई कह रहा था फाटक है, कोई कह रहा था कितने बंदे हैं, कितने वो हैं। तो फिर कमिश्नर साहब को फोन किया, मैं वापस आऊं, कहते नहीं पथराव आ गया। तो मुझे लगा कि जो बच्चे बचा सकते हैं उनको अस्पताल में रह के एटलीस्ट उनको पूरी फर्स्ट एड दे सके, उनको ये ना लगे कि उनको छोड़ के जिसको जरूरत है आगे वाली ट्रीटमेंट की उसको दी जाएगी, जिसको यहां रखा जाएगा ताकि धक्के ना खाएं, इनको ये ना लगे रिश्तेदारों को इतने ट्रॉमा से गुजर रहे हैं कि इनके आसपास कोई है ही नहीं। तो हम सारी रात हम यहीं पे हैं मरीजों के साथ, जब तक एक एक उसको आइडेंटिफाई नहीं करवा लेते, कईयों को बॉडी चाहिए, कईयों को कुछ चाहिए। बड़ी हैरानी की बात है बिकॉज इतना पुलिस प्रशासन था और इतना ऑर्गेनाइज था कि समझ ही नहीं आया। अब बता रहे हैं कि रेलवे वाले ने ना तो ट्रेन आहिस्ता की और पता नहीं ये लोग ट्रैक पे खड़के सेल्फियां ले रहे थे। समझ ही नहीं आई बात क्या हुआ, क्योंकि बड़े आराम से प्रोग्राम खत्म हुआ, गाड़ी में बैठे मैं निकली, 15 मिनट बाद मुझे फोन आता है कि वहाँ पे मैडम ऐसा हो गया। दूसरी पार्टी से एलिगेशन लगा रही, राजनीति कर रही है। देखो अगर इन पे राजनीति करने की जरूरत है, हर साल वहाँ पे दुशहरा होता है और इस पे हमने बिठाया उनको किसी को ट्रैक पे या हमने ट्रेन उनके ऊपर चढ़ाई, हमारे इलाके के लोग हैं, हम मर रहे हैं उनके लिए, तड़फ रहे हैं, हमारा गला बैठ गया है ढूंढ ढूंढ के कि हम इनको बचाएं, कुछ इनका कर पाए जैसे शुरू से करते हैं। ये उनको शोभा देता है, जब उनकी स्टेज लगती थी वहां पे हर साल वहीं दुशहरा होता था ना, तो वहीं पे अकाली दल वहीं पे सारे वहीं पे दुशहरा मनाते थे। तो भगवान ना करे ऐसा इंसिडेंट कभी किसी के साथ ना हो, तो इस पे राजनीति सेकने वालों को शर्म आनी चाहिए। तो रेलवे को एकदम फोन किया तो उन्होंने कईयों ने तो कहा कि फाटक खुला था और हर साल यहाँ पे एक वार्निंग होती है क्योंकि हमारा सारा इलाका रेलवे के आसपास ही होता है। हमने 6 जगह आज रावण जलाए तो सारे रेलवे वेर का भी रेलवे ट्रैक के पास है, पर उनको बहुत जरूरी था कि आगे देना कि यहाँ पे कितना इंसिडेंट हो रहा है, वहाँ पे ट्रेन तो स्लो करें, मतलब ये तो कभी नहीं सुना कि फुल स्पीड पे ट्रेन निकल जाए, कोई बच्चा गलती से भाग सकता है। तो बहुत बड़ी रेलवे की ये लोग, आधे से लोग तो मेरी स्पीच सुन के हटे थे, इनको पता ही नहीं चला शॉक में क्या हुआ। जी मैंने अभी न्यूज में सुना है, आई थिंक कैप्टन साहब ने 5-5 लाख की अनाउंसमेंट की है उसके लिए, तो मैं डिटेल्स तो तभी जब सरकार की पूरी चिट्ठी आ जाए तभी बता सकती हूँ।